सावन 2020 की देवघर से बड़ी खबर। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर भगवान राम, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। क्योंकि देवघर के बाबा मंदिर में राम मंदिर का अपना अलग महत्व है, तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इसकी जानकारी हो सके और वो इस चैनल के साथ जुड़ सके और ले सके पूरी जानकारी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। सावन 2020 देवघर की बड़ी खबर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण की सभी मंदिरों का खास पर्यटक महत्व है। इसी मंदिर परिसर में भगवान राम का भी मंदिर है। विष्णु के 6वें अवतार भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा करते हैं। इस मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं हनुमान की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण पूर्व सरदार पंडा स्वर्गीय श्री श्री रामदत्त ओझा ने 1782 से 1792 के बीच कराया था। यह मंदिर मुख्य मंदिर के पीछे पश्चिम की तरफ स्थित है। राम मंदिर की लंबाई लगभग 60 फीट की और चौड़ाई लगभग 35 फीट है। राम मंदिर के शिखर पर पहले पीतल का कलश स्थापित है। इसके ऊपर पंचशूल भी लगा है। शिखर के गुंबद के नीचे पीले रंग के रंग रगा हुआ। इस मंदिर का बनावट अन्य मंदिरों से अलग है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इस मंदिर के बाहर चारों तरफ तीन तीन हनुमान जी की आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर प्रांगण के सर्वप्रथम दो सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। सामने पीतल के दरवाजे को भक्त प्रमाण कर गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहाँ राम के साथ दो मूर्तियों के दर्शन होते हैं। इसी बीच भगवान राम उनके चरण के पास भरत और शत्रुघ्न और भगवान राम की मूर्ति के बाएं माँ सीता की मूर्ति और दाएं लक्ष्मण के साथ हनुमान की मूर्तियां विराजमान हैं, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं। सभी मूर्तियां काले पत्थर की बनी हुई हैं। इस मंदिर में ओझा परिवार मंदिर स्टेट की ओर से पूजा करते हैं। यहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की वैदिक विधि से पूजा की जाती है। भक्त सालों भर भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी को पूजा का अलग महत्व है। इस दिन मंदिर स्टेट की ओर से विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा फलाहारी परिवार के द्वारा रामनवमी के दिन भगवान की विशेष पूजा व महासिंगार किया जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही फलाहारी परिवार के वंश भगवान राम मंदिर के प्रांगण में अपने यजमान को संकल्प पूजा कराने के लिए अपनी गद्दी पर रहते हैं। तो इसलिए झारखंड के देवघर के बाबा मंदिर में भगवान राम का अलग महत्व है अपना। तो गाइस इस वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। तो अब दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।